वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों का उज्जैन पुलिस ने जुलूस निकाला। चार दिन पहले गुंडों ने देर रात महाकाल मंदिर क्षेत्र में उत्पात मचाया था। वाहनों के कांच फोड़े थे। इन गुंडों ने कुल 7 वाहनों में तोड़फोड़ की थी, जिसमें एक तीर्थयात्री बस और एक पुजारी की कार भी शामिल थी। वारदात से पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि महाकाल मंदिर क्षेत्र शहर का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है और यहां इस प्रकार की घटना हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। थाना महाकाल पुलिस ने वारदात की रात के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 नाबालिग भी है। नौ अक्टूबर बासी दशहरा के दिन विकास कहार का झगड़ा सावन और कार्तिक कहार आदि से हुआ था। इनके मारपीट हुआ था, जिसमें विकास को चाकू मारा था। उसी झगड़े के कारण रात्रि में ये दोनों पक्ष लड़े और दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर पथराव भी किया गया और उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। साथ ही इनके द्वारा अन्य जो गाड़ियां आसपास खड़ी हुई थी उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो उसी तारतम्य में आज सभी दोनों पक्षों के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आज घटनास्थल का सत्यापन किया गया है। पूछताछ में जानकारी लगी कि बदमाशों की 2 गैंग आपस में भिड़ी थी, जिसके बाद कुछ बदमाशों ने शराब के नशे में क्षेत्र में रखे वाहनों में तोड़फोड़ की। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवान न्यूज़, उज्जैन।